नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एम्पलीफाई में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक टेक न्यूज़ लेकर आया हूँ दोस्तों। उसमें कई सारी कंपनियों का नाम आने वाले, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी टेक न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो दोस्तों नंबर वन जो टेक न्यूज़ आती है वो है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग का जो कुछ ही दिन पहले एक नया फोल्डेबल फ़ोन जो उसने लॉन्च किया था दोस्तों, वो उसकी जो उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप, दोस्तों उसकी प्री बुकिंग होने लग गई है आज से यानी कि 21 फरवरी से। दोस्तों उसकी प्राइस जो रखी गई है वो है 1,09,999 रुपये। दोस्तों ये आपको 3 कलर में देखने को मिलेगा, पहला है मिरर ब्लैक, दूसरा है मिरर पर्पल और तीसरा है मिरर गोल्ड। इसकी जो डिलीवरी है दोस्तों वो 26 फरवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों यदि हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो दोस्तों यदि हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 855 7nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके यदि हम बैक कैमरे की बात करें तो आपको 12 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि इसके हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको इसमें 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 3300mAh की लिथियम आयन की बैटरी देखने को आपको इसमें मिलेगी। दोस्तों यदि हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये फ्लिप हो जाता है इसलिए इसका नाम जेड फ्लिप रखा गया है। दोस्तों यदि हम अब दूसरे टेक न्यूज़ की बात करें तो दूसरी टेक न्यूज़ है वन प्लस की। दोस्तों वन प्लस 7T जो कुछ ही दिनों पहले जो दोस्तों लॉन्च हुआ था, पिछले साल शायद लॉन्च हुआ था दोस्तों, उसको में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, वन प्लस लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं फिलहाल के टाइम में, क्योंकि वो अमेजोन इंडिया पर काफ़ी सस्ता मिल रहा है, उसमें 10,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। दोस्तों जो उसमें 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरियंट है वो आपको 39,999 रुपये में देखने को मिल रहा है, जिसको ऊपर 9,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। और दोस्तों जो दूसरा वेरियंट है उसका 8GB रैम और 228GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरियंट है वो आपको ओनली ऑन 42,999 रुपये में देखने को मिल रहा है। इसमें दोस्तों आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिला है। और भी इसमें कई सारे डिस्काउंट है, जैसे कि नो कॉस्ट EMI एक्सचेंज ऑफर भी आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर अपना ATM कार्ड लगा देते हैं तो दोस्तों आपको 5% का भी इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यदि आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या फिर वन प्लस 7T लेने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों फिलहाल में इसी को आप खरीद सकते हैं। दोस्तों यदि हम वन प्लस 7T जो स्मार्टफोन है उसके कैमरे की बात करें तो दोस्तों इसको इसके बैक में आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल के 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और फ्रंट के कैमरे की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे कैमरे हैं। दोस्तों यदि हम अगली टेक न्यूज़ की बात करें तो अगली टेक न्यूज़ आती है रियलमी की तरफ से। दोस्तों यदि आप रियलमी X50 Pro के बारे में कई दिनों से सुन रहे हैं कि वो लॉन्च होगा, तो दोस्तों वो 29 फरवरी को लॉन्च होगा। इसी के साथ दोस्तों एक नया स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है IQ3 5G। दोस्तों ये कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि जो रियलमी X50 Pro है 5G, दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा तेज, अब तक का सबसे तेज फास्ट चार्जर भी इसको दिया, जो दोस्तों 65 वाट का फास्ट चार्जर है। दोस्तों ये कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगा 29 फरवरी को, तो आप इसको भी ले सकते हैं। दोस्तों यदि हम अगली टेक न्यूज़ की बात करें तो अगली टेक न्यूज़ आती है वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है Vivo Z6 5G। जो स्मार्टफोन है वो 29 फरवरी को लॉन्च हो सकता है। दोस्तों यदि हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके फास्ट चार्जर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 44 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। बैटरी इसमें 5000mAh की आपको देखने को मिलती है। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है ये। दोस्तों अगली जो टेक्नोलॉजी वो है टेक्नो की तरफ से। दोस्तों यदि आप कोई भी बजट फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप टेक्नो का ले सकते हैं। दोस्तों टेक्नो भी Xiaomi की कंपनी है, वो भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करती है। दोस्तों टेक्नो का नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है जिसका नाम है टेक्नो कॉमन 15 और 15 प्रो, दो वेरियंट में लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन है। दोस्तों इसकी प्राइस आपको ओनली ऑन 9,999 रुपये देखने को मिलेगी। इसमें कैमरा वगैरह भी काफ़ी अच्छे, इसमें 3 कैमरों का सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है बैक में, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और जो 2 मेगापिक्सल का वो है डेप्थ सेंसर। दोस्तों इसके फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। और दोस्तों ये 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के एक ही सिंगल वेरियंट में लॉन्च किया गया है। और जो दोस्तों टेक्नो का कॉमन 15 प्रो जो स्मार्टफोन है वो उसमें और इसमें केवल 2-3 ही अंतर है। मेन अंतर ये है कि जो
इसका फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा दिया गया है प्रो में, और दोस्तों जो सिंगल है 15 है उसमें केवल 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और उसमें काफ़ी डिस्प्ले वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर है। तो दोस्तों ये यदि आप कोई भी बजट फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन है। और दोस्तों वीडियो को ये खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।